पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कंप्यूटर से ऑटोमेटिक काम कैसे करवाया जाता है, यानी कि टास्क शेड्यूलर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे ऊपर इस बटन पर क्लिक करके इन वीडियोस में से हमारे वीडियोस देख सकते हैं, या फिर नीचे शो पर क्लिक करके और यहाँ से वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते, जिससे क्या होगा, हम जब कभी भी नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको ईमेल द्वारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर आप नीचे यहाँ पर क्लिक करके भी। और आज इस वीडियो में हम सीखते हैं कि रार फाइल कैसे बनाते हैं। उससे पहले हमने वीडियोस देखे थे जिसमें हमने जिप फाइल बनाना सीखा था। जिप और रार दोनों सिमिलर फाइल से है, लेकिन जिप फाइल की तुलना में रार फाइल थोड़ी कम साइज की होती है। यानी जैसे ये फोल्डर है, अगर इसकी मैं जिप बनाऊंगा तो उसकी साइज इससे कम हो जाएगी, और अगर मैं इसकी रार फाइल बनाऊंगा तो जिप फाइल की तुलना में रार फाइल और कम हो जाएगी। यानी कि जिप फाइल की तुलना में रार फाइल की साइज कम होती है। और जिप फाइल तो आप बगैर सॉफ्टवेयर के भी बना सकते हैं, लेकिन रार फाइल आप बगैर सॉफ्टवेयर के नहीं बना सकते हैं। तो चलिए रार फाइल बनाना सीख लेते हैं। इसके लिए आपको एक विनरार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको वो इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप हमारे वीडियोज में से देख सकते हैं। तो रार फाइल बनाने के लिए जिस फोल्डर को आप रार फाइल बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करें, उसके बाद एड टू आर्काइव पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको इस बार रार को सेलेक्ट करना है, यानी कि रार पर क्लिक करना है। अगर आपके जिप आता है तो आपको यहाँ से रार पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके जो कोई भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो डाल दीजिए, और यहाँ पे कंफर्मेशन या वेरिफिकेशन के लिए री एंटर कीजिए, सेम पासवर्ड री एंटर करना है और ओके कर दीजिए। अब ओके पर आप क्लिक कर दीजिए तो आप ये देख सकते हैं रार फाइल बन रही है, और जब आप देखेंगे तो यहाँ ऊपर आपके रार फाइल बन जाएगी, यानी कि इसकी ये रार फाइल बन गई। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रार फाइल बन गई, और अगर आप इसका कोई भी डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड देना होगा। इस प्रकार आप एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड रार फाइल बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें या फिर कमेंट करें। धन्यवाद।